Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me, Neelmani Sen. कमोडिटी मार्केट में लास्ट वीक हमने देखा कि सभी कमोडिटीज में हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला, जो कि इस हफ्ते भी जारी रहने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। इस हफ्ते इम्पोर्टेंट रहेगा यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि इस हफ्ते के एंड में आएगी, और जहां 0.25 बेसिस से रेट हाइक होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट रहेगा ईसीबी की और बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि प्रीसियस मेटल्स को एक न्यू डायरेक्शन दे सकती है। प्रीसियस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो इस हफ्ते गोल्ड में सपोर्ट 58,300 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 60,400 पर बना हुआ है। सिल्वर के सपोर्ट की यदि बात करें तो यहां सपोर्ट 73,000 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 77,000 पर स्थिर है। क्रूड ऑयल में टाइट सप्लाई और चाइना की तरफ से आए स्टिमुलस पैकेज के चलते हमें एक प्राइसेस में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जहां क्रूड ऑयल के प्राइसेस लास्ट वीक एक रेंज बाउंड सेशन दिखा रहे थे, वहीं इस हफ्ते भी हमें एक रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल में इस हफ्ते के लिए सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ काम किया जा सकता है। इस हफ्ते में क्रूड ऑयल में सपोर्ट 6000 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 6400 पर बना हुआ है। लास्ट वीक हमने देखा था कि नेचुरल गैस के प्राइजेस में हमें लोअर लेवल से काफी एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला, बट एक ये वाइड रेंज है जो कि हायर लेवल पर 235 पर है रेजिस्टेंस, और लोअर लेवल 205 यानी कि 205 के आसपास हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस रेंज के आइदर साइड हमें एक फ्रेश अपसाइड या डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा नेचुरल गैस में, तो इस रेंज को हम फॉलो कर सकते हैं। चाइना की तरफ से आए लिमिटेड स्टिमुलस पैकेज के बाद भी बेस मेटल्स में हमें कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, और सभी बेस मेटल्स में पिछले हफ्ते हमें हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर ही देखने को मिला है, जो कि अब अपने लोअर लेवल सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रही हैं सभी बेस मेटल्स। तो यहां से एक रेंज बाउंड सेशन हमें इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में सपोर्ट 715 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 738 पर बना हुआ है। जिंक में सपोर्ट 207 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 219 पर बना हुआ है। एल्यूमिनियम में सपोर्ट 192 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 204 पर स्थिर है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। द कंटेंट प्रोवाइडेड इन द वीडियो इज फॉर इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट और इम्प्लाय अ रिकमेंडेशन टू एंगेज इन एनी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। वी डू नॉट प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एडवाइस और डिटरमाइन सूटेबिलिटी फॉर इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल नीड्स। प्लीज कंडक्ट योर ओन एनालिसिस एंड कंसिडर योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।